कई सारे सीनियर शेफ्स होते हैं जिनको कि 10 साल का एक्सपीरियंस, 15 साल का एक्सपीरियंस, 20 साल का एक्सपीरियंस होता है। उनकी पोजीशन CDP, DCDP, सुशेफ भी आप मान लीजिए होती है, पर उनकी जो सैलरीज होती हैं वो सिर्फ मात्र 20,000, 22,000, 25,000, 30,000 इतनी ही रहती हैं। तो ऐसा क्यों है? और वहीं जो भी कोई एक यंग स्टूडेंट आता है या यंग एक DCDP, CDP आता है, उसकी सैलरी भी सेम रहती है। तो सेम उनने जो गलतियां की हैं या वो जो समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि आपका भी समय आएगा, आप भी एक समय पे 10 साल के एक्सपीरियंस वाले CDP बन जाओगे, 15 साल के एक्सपीरियंस वाले CDP बन जाओगे, और आपकी भी सेम सिचुएशन होगी। क्या ये सही है? किसी का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, उसे 20 साल का एक्सपीरियंस है, क्या उसको सिर्फ मात्र 20, 22 या 25,000 सैलरी मिलनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं अगर बोलता हूँ कि उनको 20 या 22 साल का एक्सपीरियंस है और उनको इतनी कम सैलरी मिल रही है, पोजीशन आप चाहे CDP, DCDP लगा ले, क्या उन्हें खाना अच्छा बनाना नहीं आता? जी नहीं, उनको खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, बहुत टेस्टी खाना वो बना सकते हैं। क्या उनके पास एक्सपीरियंस की कमी है? उनके पास कोई एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है। क्या उनके पास एजुकेशन नहीं है? जी हाँ, उनके पास एजुकेशन भी है, उन्होंने भी कोई ना कोई डिग्री या डिप्लोमा किया होता है। पर रीज़न क्या है इन सब चीज़ों के पीछे?